आप बताइए ना, हमने पाकिस्तान को इतने वर्ल्ड कप्स में हराया, भाई फिर स्कॉटलैंड, नमीबिया, ये हांगकांग, मकाऊ, उन टीमों के स्कोर मत गिनिया कीजिए। मैं तो हम तो हमेशा वही डिबेट करते हैं कि भाई आप तो मैं तो वही कह रहा हूं, मैंने क्या लगा, इंडिया 60 है, दिख ही नहीं है, और रिजल्ट भी ला रहे हैं, पाकिस्तान 40 है, आप डिसाइड भी एक है, नहीं मैंने डिसाइड किया, इंडिया 60 है और वो 40 है पाकिस्तान, मैं तो कह ही रहा हूं इंडिया जीतेगा ना, ये मैंने तो जिताना नहीं, मैं कैसे जिताऊं, जीतेगा तो इंडिया ही, मैं कैसे सर, पर पाकिस्तान ने एशिया कप में पहला मैच नेपाल से जीतने के बाद अब दूसरा मैच इंडिया के मबैन खेला जाएगा। 2 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकाबला होगा और इंडिया मीडिया कहती है कि पाकिस्तान 40% और 60% इंडिया के जीतने के चांस हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और 30 मिनट स्किप करके फुल वीडियो वॉच करें। पता नहीं यार, केएल राहुल वाला सर सारा मामला, आई डोंट थिंक इट इज बीन हैंडल प्रॉपर्ली। बात क्वालिटी और पेडिग्री की होती है। बांग्लादेश की टीम है, बांग्लादेश की टीम में बहुत बैलेंस है, ठीक है, हालांकि उन्होंने हमें हराया है, कल को मैच होता है, वर्ल्ड कप का मैच होता है, एशिया कप में हम 2-3 मैच उनसे खेलते हैं, वर्ल्ड कप में खेलते हैं, टीम बेहतर कौन सी होगी, इंडिया ही होगी ना, जाने से पहले हो सकता है रिजल्ट कुछ भी हो जाए। मैंने सवाल ये पूछा जैसे कि आप जाने से पहले की बात कर रहे हो, मैन टू मैन मैंने बोला ना, मैन टू मैन का मतलब क्या हो, मैं बोल रहा हूँ पेडिग्री की, मैन टू मैन इज पेडिग्री ओनली ना, जब आप कागज भारी है, रोहित कागज भारी कैसे, बैलेंस मैं मान गया आपके, बैलेंस हम बात करें, आज हम ऑस्ट्रेलिया को, दूसरा सवाल किया पल्स या मैन टू मैन, आपने बोला पल्स, पल्स का क्या मतलब होता है, आज का बताइए, बट आज का आप किसके साथ बताएंगे, आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज नॉट नेपाल, देन मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज अफगानिस्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, नो नो दैट्स फाइन, आई अंडरस्टैंड, आप इसको इग्नोर कैसे कर सकते हो, नहीं मैं इग्नोर बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मुझे ये जानना है आपसे कि एक वनडे मैच को इग्नोर आप कैसे कर सकते हो, मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर, अगर क्या वनडे क्रिकेट 2021 में, अगर मैं इग्नोर नहीं 2021 में, तो मैं फिर आपसे जानना चाहता हूं पाकिस्तान का क्या है 2021 और 2022, आप फिर हल्की टीमों के स्कोर है अपनी टीम के बैट्समैनों से निकाल दीजिए, पाकिस्तान को बताइए ना, मुझे हमने पाकिस्तान को इतने वर्ल्ड कप में हराया, स्कॉटलैंड, नमीबिया, ये हांगकांग, मकाऊ, उन टीमों के स्कोर मत गिनिया कीजिए। मैं तो हम तो हमेशा वही डिबेट करते हैं कि भाई आप तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ये देखिए ना कि आपने आज नेपाल को हराया, ठीक मैंने है, सिंपल बात आपने की है, अफगानिस्तान को हराया, अफगानिस्तान ने भी आपको नाको चने चबवा दिए थे ऑलमोस्ट, आपने जो पहला मैच खेला ये पाकिस्तान की गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों, एटलीस्ट बल्लेबाजी आपकी ज्यादा वल्नरेबल है, हम हो सकता है कल को एक तो मैच आएगा, मैंने तो नहीं कहा वल्नरेबल नहीं है, बट एक चीज है वो गिरते पड़ते उठते, मेरा मानना है इंडिया 60 है, दिख ही नहीं, और रिजल्ट भी ला रहे हैं, पाकिस्तान 40 है, आप डिसाइड भी एक है, नहीं मैंने डिसाइड किया, इंडिया 60 है और वो 40 है पाकिस्तान, मैं तो कह ही रहा हूँ इंडिया जीतेगा ना, ये मैंने तो जिताना नहीं, मैं कैसे जिताऊंगा, जीतेगा तो इंडिया ही, मैं कैसे सर, पर मैं कैसे जिताऊंगा, मैं आप मुझसे सवाल करते हो, 60 है तो इंडिया चांसेस इंडिया के बहुत अच्छे हैं जीतने के, मैंने तो कहा ही नहीं कि इंडिया के चांसेस नहीं है, दिक्कत क्या है, पल्स पल्स दिक्कत आप नहीं समझ रहे हो, इनसे मैंने सवाल पूछा, आज आप ये खुद कागज की बात कर रहे हो या पल्स की बात कर रहे हो, पल्स क्या पूछे, पल्स का मतलब क्या होता है, मैं सुना हूं उन्होंने जो सवाल पूछा उसके हिसाब से सर ने जवाब दिया, आप अलग टैंजेंट पर जवाब पल्स, मैं सुबह उठ के अपना ब्लड प्रेशर चेक करूं बनस्पत अभी के अभी करूं, अभी मेरा ब्लड प्रेशर हाई आएगा ना, सुबह मैं आराम से चाय पी रहा हूँ, रखी है मेरा बीपी ठीक आएगा, अभी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मैं चिल्ला रहा हूँ, तो मैंने इनसे ये पूछा है कि आप मेरा बीपी सुबह चेक करना चाहते हैं, अभी चेक करना चाहते हैं, बताओ अभी करना चाहता हूँ, फिर से बताओ, अभी कौन फेवरेट है, फेवरेट इंडिया है, बस खत्म बात, अगर मैं इंडिया हूँ, फॉर्म टीका लगाया नहीं लगाया, घुटने के नाखून काटे नहीं काटे, मतलब पैरों का, अगर मैं इंडिया हूँ, मैं इंडिया का फैन हूँ, आई विल बी स्केयर्ड, अगर आप पाकिस्तान के फैन है, अगर मैं पाकिस्तान का फैन हूँ, तो मैं समझता हूँ इंडिया बड़ी टीम है, बट आई एम सेंसिंग द किल, इंडिया हैव मोर टू लूज देन पाकिस्तान, इंडिया पे प्रेशर ज्यादा है, आपके घर में वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं आपको मैं 2-3 दिन पहले भी बोला था, ये आप जो डिबेट भी कर रहे हैं, इंडिया जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा तो इंडिया ही,
ये नारा इंडियन प्लेयर्स हेट करते हैं। परसों आप कुछ और बोल रहे थे, मैंने यही बोला था। मैं बताता हूँ, परसों आपने रुके नहीं, मेरे पास है वो परसों मैंने अभी अभी अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। अब वो की बात नहीं है, 70,000 लोग उसको देख चुके हैं। 70,000 बार आपने की इस बार इंडिया अच्छा, इस बार इंडिया के पास ना वो प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार इंडिया से बहुत लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब आप वो वाला मत दिखाइए ना, 70 आप 70 बार वो बात भी बोल चुके, मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ। इंडियन प्लेयर्स बस सोशल मीडिया में हारने का ये सुनो, आप अपने प्लेयरों को दबाव में इतना ले आओगे, इतना ले आओगे कह कह के, अरे बाबर को जीरो पे आउट कर देंगे, अरे उसको शाइन की देंगे। बोला बट यू आर एडिंग टू द प्रेशर। सर ये माहौल तो पहले भी बनता था ना, गलत है ना? अरे बीच में नहीं बना, बीच में नहीं बना, बीच में पाकिस्तान की टीम इतनी कमजोर थी कि आप उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। बट आई थिंक बीच में इतना नहीं था, ये पिछले 2 साल से ज्यादा। मैंने आपको नहीं बोला ज्यादा हो गया। और आई थिंक वो जो स्पोर्ट्स चैनल्स पे भी वो शुरू किया था ना, मौका मौका, बाप बेटा बाप बेटा, आई थिंक That has created pressure, क्योंकि इंडिया की टीम ऐसा तो है नहीं कि वर्ल्ड कप में कभी हारती नहीं, उनसे कभी ना कभी तो हार रहा अभी हारेगी, ऐसा तो नहीं है कि सारी उम्र हार नहीं सकते यार। वो एक मैच हार रहा था, वो हार भी गए, लेकिन आपने इतना आप बांग्लादेश के बांग्लादेश हार गए, ठीक है, वेस्ट इंडीज से यू जस्ट यार। आप इंडिया के प्लेयर से पूछे इस वक्त क्या वो वर्ल्ड कप हो रहा है आपके मुल्क में भाई, जो हम जीतेंगे ये थोड़े बोल रहे हैं, ये बोल देंगे कि हम हारेंगे। आपको लगता है कोई प्लेयर बोलेगा? मैं मतलब इंडिया का प्लेयर हूँ ना, मैं यार इस वक्त ये चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली सोशल मीडिया ना देखूं, कोई चैनल ना देखूं, और लिफ्ट में कोई ना मिले, ब्रेकफास्ट के टाइम कोई ना मिले। नहीं, सही होता नहीं है ना। मैं बताता, आई थिंक विराट ने ही कहा कि यार 2011 में अगर इस तरह का सोशल मीडिया होता तो कितना खतरनाक प्रेशर होता। मुझे आज भी याद है, रैना का मैं इंटरव्यू सुनता था जिसमें बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका से जो मैच हारे, हेडलाइन छपी थी कि चोकर है इंडिया, तो उन्होंने सचिन पाजी ने बोला कि भाई आज के बाद इस ड्रेसिंग रूम में ना चर्चा। मैं कह रहा हूं, मैं खुद मीडिया हूं, मैं खुद ट्वीट भी करता हूं, मैं इसीलिए राहुल मैंने ये इस बार कसम खाई है कि मैं मतलब वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, पता क्या होता है मैं बताऊं, हम सब देखो हमारे मुल्क में हमारे लिए क्रिकेट बहुत बड़ी बात है, और हम वर्ल्ड कप, हमारे जिंदगी मौत हो जाते हैं 4 साल में, हम ना इतना बना देते हैं क्योंकि हम चाहते हैं इंडिया जीते। एंड जब ये अच्छा जिस दिन नहीं करेंगे एक मैच में, हम इनको इन प्लेयर्स को पकड़ के ना रगड़ देंगे सारे, हम मतलब सारे फैंस भी, वो दिन ड्रेड करता हूं मैं। मैं तो चाहता हूं मैं बहुत रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखूं, बल्कि मैंने तो ये कसम खाई मैं नजर ही नहीं लगाऊंगा भारत की टीम को। नहीं, बट मैं ऐसा कहूंगा नहीं कि सिंपल सी बात है, सिंपल जिस दिन इंडिया जीतेगा मैं बहुत खुश होऊंगा, ऊपर वाले का शुक्र मनाऊंगा, और मैं फिर अगले दिन कहूंगा भाई इनको नजर ना लगे, बिकॉज मुझे पता है आज की इस बार अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन और प्रेशर इस टीम पे होगा। सिंपल सी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीतेगा तो भाई इंडिया रगड़ दो पाकिस्तान, मैंने ये हमने ये नहीं कहा कि रगड़ दो पाकिस्तान को बाबर आजम, मैंने तो ये भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इंडिया से बेहतर दिखती हैं, पाकिस्तान नहीं दिख रही है, बस इसको ऐसे लिया जाए ना, रियलिटी सिंपल सी बात जो रियलिस्टिक है। मैं नहीं मानता इंडिया के लिए सेमीफाइनल है, इंडिया का फाइनल में मुझे चांस लगता है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेल जाए सेमीफाइनल तो आप एक टीम को जा सकते हो, बावजूद उसके जिसके साथ भी सेमीफाइनल खेलोगे, अगेन वही वाला जवाब, इंडिया का जो लगातार एक पैटर्न बन चुका है गिर जाने का, और इसीलिए शायद लोग अगर पकड़ते ही टीम इंडिया को इसी वजह से। वैसे आप दुनिया की टॉप टीम, दुनिया के बेस्ट क्रिकेटर्स, दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक, बट परफॉर्मेंस के नाम पर क्या है? आप अगर एक लाइन चैंपियन मेंटालिटी कहां है फिर? क्रिकेट तो दुनिया ही खेल रही है, बाबर आजम भी रन बना रहे ना, आप हम अलग ब्रैकेट में क्यों रखते हैं? तो टीम बनो दुनिया की वर्ल्ड चैंपियन जैसी, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज जिनके देखते हो सपने की वो ऐसा डोमिनेट करते थे वैसा वो वक्त है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, नहीं वेस्ट इंडीज को मनोज देखो दिक्कत कहां है, ऑरेंज जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो या इंग्लैंड की बात करो तो आपको मालूम है कि वो टीम दो खिलाड़ियों पर डिपेंड नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली यार इंडिया की टीम विराट कोहली रोहित शर्मा पे इतना डिपेंड करती है कि आई पिटी बोथ ऑफ देम यार, उन दोनों से इतनी उम्मीद हम हर मैच में 100 यार, बाकी जो है उनको भी तो करना होगा। सही बात, नहीं तो इस आपके 6 नंबर पे आके एक बंदा बना देना 100। मोहम्मद सिराज है आज की डेट में टॉप, बैटिंग की बात कर रविंद्र जडेजा नहीं,
छह नंबर पर हमारा भी कुछ 100 बना दे यार, भले हल्की टीम के साथ बना दे, बनाए तो मजा आए ना। अब वो हम देखें, अब वो अगर इंडिया पहला मैच पाकिस्तान को हरा दे, ठीक है, अगर इंडिया 2 तारीख को, अगर मैच होता है बरसात के भी आप बता रहे, अगर 2 तारीख को मैच होता है इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया, मोमेंटम ऐसे शिफ्ट करेगा, ऐसे शिफ्ट करेगा, आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं तब तक टीम को नजर नहीं लगाऊंगा, बस सिंपल सी बात है। अब आपकी नजर लगाने से टीम को अगर फर्क पड़ता तो यार लोग क्यों कह देते हैं कुछ नहीं हो, तो कोई ऐसा हो तो तुम बोलते थे, वो बेवकूफी है वो लोगों तो सर हम क्या बोले, हम गेम पर बात ना करें। आज लोग सवाल भेजते हैं, मनोज तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस भी वो करना पड़ता है, जीतना पड़ता है, परफॉर्मेंस जैसे आज विराट रोहित का नाम क्यों हो रहा है, उसने एशिया कप के लिए पूछा, एशिया कप में भाई, एशिया कप में अगर आप नहीं जीतते तो वर्ल्ड कप से अगर ऑप्ट आउट करने का ऑप्शन कोई हो तो अपना लेना, एक बंदा अगर एशिया कप भी नहीं जीता कि मुझे इंडिया अगर नॉकआउट में हो, फॉर एग्जांपल सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल व्हाटएवर, एशिया कप फाइनल में मैं थोड़ा सा नर्वस हूं, एशिया कप का अगर अभी तो कल तो पहले ही मैच है, मैं वही कह रहा हूं, बट पाकिस्तान इज अ बिग गेम, पाकिस्तान नॉकआउट गेम नहीं है, मेलबर्न में भी नॉकआउट गेम नहीं थी, मेलबर्न की गेम मतलब थी वो आखिर में 8 में 28 जाने वाली गेम थी, वो किस लिहाज से थी वो 8 में 28, टी ट्वेंटी का हम डंका बजाते हैं, ऑस्ट्रेलिया भले अभी 70 ओवर खेले, 3 आउट ओवर खेले 6 ओवरों के अंदर, हमारी क्या दो बॉलें पड़ी हैं, वो मतलब बनता था कि आप वो मेलबर्न वाली गेम ले जाओ आखिरी की 8 बॉलों पर 28 रन चाहिए, विराट कोहली ने कर दिया, हो गया डर के आउट हुए थे ना। तो यार अगर सौरव गांगुली इतने बड़े कप्तान विजनरी सब कुछ, उन्होंने सर से इंटरव्यू में क्या बोला, वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा बट उनका कहने का मतलब क्या कि जाओ एंजॉय करो भाई, डरो मत, घबराओ मत, हारोगे वैसे भी एंजॉय करके ही हार जाओ, तुम्हारी शक्लों पर घबराहट नजर आती है, डर नजर आता है, जो पाकिस्तान गेम में अब फॉर्मेट अलग है, इसमें क्या होता है कि रिकवरी का वक्त उस तरीके से रह जाता है, तो देखना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है, बट वो इंडियन टीम को यार अर्न करना पड़ेगा, वो 6 नंबर पर शतक जब कोई मारेगा जाकर तब दिखेगा ना, हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा जिन्होंने इस पोजीशन में खेलना है उनको करना पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा सही, पर मनोज इंग्लैंड जाकर ठीक है थोड़ा पुराना हो गया, शतक मारने की नौबत आनी चाहिए ना, मैं वही कह रहा हूं यार, मैच विनिंग परफॉर्मेंस, जहां आप बोलो यार आज विराट रोहित के बिना निकाल दिया मैच, आज आपने किया, तो बिलीफ सिस्टम ऐसे ही डेवलप होता है, आप ऐसे नहीं कि आज इसे एकदम से शुभमन गिल सोच रहे होंगे कि मैच मैंने ही जिता देना है, उनको बड़ी स्टेज पर आगे एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, मैं तो कह रहा हूं उनको सोचना चाहिए, हाँ वो सोच रहे होंगे, कौन नहीं सोच रहा होगा यार, आप जब एक क्लब क्रिकेट खेलते हैं या आप अपने पैर फैला रहे होते हैं क्रिकेट, आप सोचते हैं ना किसी दिन मैं इंडिया के लिए भी खेलूंगा, किसी दिन मैं इंडिया की कप्तानी भी कर जाऊंगा, उसके बाद आज जो ये प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं अभी कुछ तो उनमें से ये सोच रहे होंगे मुझे 11 मिल जाए मैं कुछ कर, जिनको मिल रही है वो तो यही विजुलाइज कर रहे होंगे, और हर कोई करता है विजुलाइज, ये कोई वो नहीं है जी, अगर कोई कहता है नहीं हमें विल टेक इट, हर किसी को ये होता है कि यार मैं मैच मैं जिता दूं, मैं खेल दूं ये पारी, कितने लोग सोचते होंगे यार वो एम एस धोनी ने जो 2011 में खेल दी वो मैं खेल देता, गौतम गंभीर ने जो खेल दी वो मैं खेल देता, विराट ने जो खेल दी वो मैं खेल देता, बात ये आपकी इसी, मैं कहीं भी ये नहीं कह रहा हूं कि आप रगड़ दो कुचल दो ये कर दो वो कर दो पाकिस्तान को, भाई जो अच्छा खेलेगा उस दिन वो जीतेगा, जो टॉस शायद से अच्छा जीत जाए वो खेल जीत जाएगा काफी हद तक मैच, क्योंकि बारिश का भी है, आप जो जिनसे आप बेहतर दिख रहे हो मैं वो बोलूंगा कि भाई पाकिस्तान से आप बेहतर दिख रहे हो, डिस्पाइट सो मेनी लूप होल्स आपकी टीम में, इतने सारे होल्स हैं जो प्लग करने हैं, आप जिनके साथ सामने अच्छे, आज आप मुझे पूछो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है मैं कहूंगा यार ऑस्ट्रेलिया भारी टीम दिख रही है मुझे, इंग्लैंड और इंडिया का मैच है मैं कहूंगा यार चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं इंडिया के, बट यू नेवर नो, क्रिकेट है, कल को इंग्लैंड को भी आप हरा सकते।